लेसन नंबर 39 में हम फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के पहली लैंग्वेज को लर्न करना क्या है, पहली लैंग्वेज को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, सीख कैसे कर सकते हैं। कहते द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज रिमार्केबल फॉर द स्पीड विद विच इट टेक प्लेस। द चाइल्ड लॉन्ग बिफोर शी और शी स्टार्ट स्कूल बिकम्स एन एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। द ह्यूमन चाइल्ड कैन नॉट बी कम्पेयर टू एनी अदर क्रिएचर आर कंप्यूटर। द लर्निंग जनरली अकर्स विदाउट एनी ओवर्ट इंस्ट्रक्शन रिगार्डलेस ऑफ ग्रेट डिफरेंसिस इन देयर सरकमस्टांसेस। द आइडिया बिहाइंड इट इज देयर इज एन इनेट प्रीडिस्पोजिशन इन द ह्यूमन इन्फेंट टू एक्वायर लैंग्वेज स्पेशल कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज विद विच ईच न्यू बोर्न चाइल्ड इज इंडोर। देयर आर मैनी डिफरेंट वे टू कैरेक्टराइज द डेवलपमेंट सीक्वेंस द स्टेज ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन बाय द चिल्ड्रन फोकसिंग प्राइमरली ऑन द अनफोल्डिंग लेक्सिकल एंड सिंटैक्टिक नॉलेज आर मेंशन आर बिलो। मतलब जो एक बच्चा है वो लैंग्वेज जब सीखता है उसके लिए इजी हो जाता है। यहाँ नीचे उसने एक टेबल डिस्कस किया है, उसमें उसने तमाम चीज़ों को ब्रीफली डिफाइन किया है। स्टेजेस में बेबलिंग है, 6 से 8 मंथ्स है, रिपीटेटिव सी वी पैटर्नर है, अगर 9 से 18 मंथ्स हैं तो सिंगल ओपन क्लास वर्ड है, वर्ड सिस्टम मतलब इन्हीं के थ्रू उनमें लर्निंग होती है, नई जबान एक बच्चा सीख सकता है। इन टिपिकल एजेस में इस तरह की डिस्क्रिप्शंस होती हैं और स्टेजेस होते हैं। कोइंग एंड बबलिंग द अर्लीस्ट यूज ऑफ स्पीच लाइक साउंड हैज बीन डिस्क्राइब एज ए कोइंग कोइंग सीक्वेंस ऑफ वॉवल्स लाइक साउंड पर्टिकुलरली हाई वॉवल सिमिलर टू आई एंड कोइंग और गोइंग। बाय 4 मंथ्स द चाइल्ड ब्रिंग टू बैक टू द टंग इन टू रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द बैक टू द पैलेट अलोइंग वीलर कंसोनेंट्स। मतलब इसमें जब स्टार्ट में बच्चा सीखता है तो वो डिफरेंट किस्म के प्रोनाउंसिएशन करता है, डिफरेंट किस्म के वर्ड्स बोलता है, और जब वो बड़ा होता जाता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन स्टाइल चेंज होता जाता है। वेबलिंग क्या है? बिटवीन 6 से 8 मंथ द चाइल्ड स्टार्ट सिटिंग अप एंड प्रोड्यूसिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स। मतलब जब बच्चा 8 मंथ का होता है तो वो डिफरेंट किस्म के वॉवल्स प्रोनाउंस करता है एज वेल एज कम्बिनेशन बा बा गा गा, तो इसको बेबलिंग कहते हैं। नसल साउंड्स कॉमन एंड सर्टन सिलेबल सीक्वेंस मामा एंड दादा इनइविटेबली इंटरप्रेटेड बाय पेरेंट्स वर्जन ऑफ मामा एंड दादा आर रिपीटेड बैक टू द चाइल्ड। मतलब नाक से भी वो डिफरेंट किस्म के वर्ड्स प्रोनाउंस करता है। उसके बाद द वन वर्ड स्टेज क्या है? बिटवीन 12 एंड 18 मंथ्स द चाइल्ड प्रोड्यूस अ वराइटी ऑफ रिकग्नाइजेबल सिंगल यूनिट अटरेंसेज। द स्टेज कैरेक्टराइज बाई स्पीच इन विच सिंगल टर्म्स आर अटर्ड बाई एवरी डे ऑब्जेक्ट्स लाइक कुकीज कैट कप स्पून यूजली प्रोनाउंस पन। अदर फॉर्म सच एज ए डिफरेंट किस्म की स्टेजेस होती हैं। उसके बाद होलो फरेस्टिक ड्यूरिंग दिस स्टेज अ सिंगल फॉर्म फंक्शन एज ए फ्रेज और सेंटेंसेस। मतलब इसमें एक फ्रेज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और इस काबिल हो जाता है कि एक फ्रेज को अटर कर सके, बोल सके। द टू वे वर्ड स्टेज मतलब जब वो दो वर्ड्स को इकट्ठा बोलना सीख लेता है वो कौन सी स्टेज? दस दिस स्टेज डिपेंड ऑन व्हाट वी कांट काउंट एज ए अकरेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट वर्ड यूज टुगेदर। इट्स बिगन्स अराउंड 18 to 20 मंथ्स। इसमें जब वो 18 मंथ का या 20 मंथ का होता है तब उसकी टू वर्ड स्टेज आ जाती है। टेलीग्राफी स्पीच वो क्या होती है? बिटवीन 2 and 2.5 ईयर्स ओल्ड द चाइल्ड स्टार्ट अ लार्ज नंबर ऑफ अटरेंस दैट कुड बी क्लासीफाइड मल्टीपल वर्ड्स विद
जब टेलीग्राफी तब आती है जब बच्चा 2.5 साल का हो जाए या 2 साल का हो जाए, तो उसमें बोलने की एबिलिटीज ज़्यादा हो जाती है, एक्विजिशन बढ़ती जाती है। समरी, डिस्कशन, सम वेल नोन स्टडीज अबाउट सोशल क्लास डिफरेंट लैंग्वेज एक्विजिशन बाई चिल्ड्रन। बीटी हार्ट एंड टोडस्की रिमार्क दैट देयर आर मीनिंगफुल डिफरेंस द एवरी डे एक्सपीरियंस यंग अमेरिकन चिल्ड्रन। बाई द एज ऑफ 3 ईयर चिल्ड्रन फ्रॉम प्रिविलेज फैमिलीज हैव हियर 30 मिलियन मोर वर्ड्स देन चिल्ड्रन फ्रॉम अंडर प्रिविलेज फैमिलीज। लॉन्गिट्यूडनल डाटा ऑन 42 फैमिलीज हैव एग्जामिन दैट शोज इनमस डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ वोकैबुलरीज ग्रोथ। चिल्ड्रन टर्न आउट टू बी लाइक देयर पेरेंट्स इन स्ट्रक्चर्स, एक्टिविटी लेवल्स, वोकैबुलरी, रिसोर्सेज एंड लैंग्वेज एंड इंटरेक्शन स्टाइल्स। हाउएवर अदर रिसर्चर्स थिंक दैट 42 इज नॉट अ वेरी लार्ज सैम्पल एंड देयर आर मैनी अदर क्वेश्चन टू आस्क। दिस वर्क सेज दैट वी शुड बी कंसर्न अबाउट पॉसिबल लास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ कल्चर डिफरेंस इन चिल्ड्रन, लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंस इन लैंग्वेज लर्निंग। तो इस तमाम लेक्चर में उसने यही बताने की कोशिश की है कि बच्चे किस एज में किस लेवल तक सीखते हैं और किस लेवल तक बोलते हैं, कौन सी एज में वो कितने वर्ड सीखते हैं और कितने वर्ड्स बोल सकते हैं, और वन वर्ड किस एज में वो बोल सकते हैं और टू वर्ड्स किस एज में बोल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस लेसन में डिस्कस की हुई हैं कि लर्निंग या लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज को लर्न करने की क्या, लर्न करने का क्या प्रोसेस है, लैंग्वेज को लर्न करने के स्टेजेस क्या हैं, कौन सी एज में बच्चा कौन सा वर्ड सीखता है, कौन सा वर्ड वो बोलता है।